आज हम आपको बताएंगे कि एम्प्लॉयडो में एम्प्लॉयज़ को अगर ऐड करना है न्यू एम्प्लॉय को तो कैसे करना है। हम एम्प्लॉयज़ में जाएंगे, यहाँ से ये आपको न्यू ऐड न्यू एम्प्लॉय के ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर एम्प्लॉय का जो भी है वो हम लिख के फाइंड यूज़र में जाएंगे। फाइंड यूज़र से हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का जो भी बायोडाटा है वो हमने फिल करना है। फादर नेम, एम्प्लॉय नेम, कंट्री, हम इसमें पाकिस्तान की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आप दे देंगे और यूज़र नेम, उसका ईमेल एड्रेस और आईडी का पासवर्ड जो भी आपने रखना है, एम्प्लॉय वन आईडी एम्प्लॉयडो पासवर्ड, ये मोबाइल ऐप के लिए पासवर्ड होता है जो आपने बाद में एम्प्लॉय को बताना होता है। इसकी जेंडर हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ब्रांच और ब्रांच हमने अगर पहले से ब्रांच में जाके पहले ब्रांचेस को ऐड करना है कि कौन सी ब्रांच के लिए है। डिपार्टमेंट भी हमने पहले से ऐड किए हुए हैं जिसमें हमने ऑल सेल्स का किया डेजिग्नेशन। जब हम ऑल सेल डिपार्टमेंट जाएंगे तो वहाँ से ही वहाँ के डेजिग्नेशन दिखाने के ऑप्शन देंगे। वर्क पॉलिसी हमारी यूजुअली 12 आवर पॉलिसी मीन है कि 12 घंटे एक दिन में पूरे करने हैं एम्प्लॉय ने। एम्प्लॉय स्टेटस हमें शुरू में प्रोविजन के लिए सिलेक्ट किया है और सैलरी टेम्पलेट भी हमें पहले सैलरी टेम्पलेट सेलेक्ट करने होंगे, ऐड करने होंगे, तो फिर वहाँ से हम जो भी ऐड किए हुए सैलरी टेम्पलेट है उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। लेट से इसकी बेसिक सैलरी हम 16,000 पर मंथ जो है वो वाला सैलरी टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया है। एम्प्लॉय आईडी हम हमारा 1900 में से शुरू होता है तो हम इसका कोई भी नंबर्स के हिसाब से रख सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट जो है वो हम लेट से आज की ही सिलेक्ट कर लेते हैं और जब आप सेव एम्प्लॉय रिकॉर्ड करेंगे तो इस नाम से एम्प्लॉय इस नेम से ये न्यू एम्प्लॉय के उसमें ये सारा बायोडाटा इस नेम के अगेंस्ट ये सेव हो जाएगा। थैंक यू।